आमतौर पर दशहरे में सिर्फ बंदूक, तमंचे, तलवार, त्रिशूल और लाठी डंडों की पूजा की जाती है, जिसे आपने आज तक खूब देखा होगा। लेकिन आज हम आपको मंडला जिले में विजयादशमी के इस पर्व पर अनोखी शस्त्र पूजा के बारे में बता रहे हैं। यहाँ शस्त्र के रूप में मंडला जिले के महात्मा गांधी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने अपने अपने खेल में प्रयोग आने वाली सामग्रियों को अस्त्र मानते हुए उनकी पूजा की है। इस पूजा के बीच खिलाड़ियों का लोगों के लिए एक बड़ा संदेश छिपा है। दरअसल विजयादशमी यानी दशहरा बहुत ही खास होता है। इस दिन हिंदू अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा पूरे विधि विधान से करते हैं। ऐसा माना जाता है कि विजयादशमी यानी दशहरा पर शस्त्र पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और इसी मान्यता के आधार पर लोग अपने अपने अस्त्र और शस्त्रों की पूजा करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि दशहरे में बंदूक, तमंचे या फिर तीर तलवारों की ही पूजा की जाए। ऐसा ही कुछ अलग हमें देखने को मिला मंडला जिले के महात्मा गांधी स्टेडियम में, जहां खिलाड़ियों के लिए खेल उपकरण और मैदान कितना अहम है। जिले के सभी खिलाड़ियों ने एक साथ एकत्रित होकर अपने अपने खेल उपकरण और मैदान की दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजा की तर्ज पर पूरी श्रद्धा के साथ आराधना की। स्टेडियम ग्रुप के नाम से एक संस्था हमने डिसाइड की थी और शुद्ध रूप से प्रयास यह था, पहले तो खेल मैदान को बचाएं और उसके बाद खेल संघों को और उन बच्चों को हम आगे बढ़ाएं और उन बच्चों को अपने खेल व उनके सामानों के प्रति सम्मान जो दिया जाता है, वो एक दिल में एक भावनाएं हमने ये डाली है इस शस्त्र पूजन के रूप में। 5 वर्ष पहले शुरुआत हुई, 5 वर्ष के शुरुआती साल में ही इतना क्राउड हो गया था, उत्साह ज़्यादा था, सीनियर्स भी मौजूद थे हमारे और व्यापारी वर्ग से सभी लोग आते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, आज ये 5वां वर्ष है, आज इस कार्यक्रम का जो बूम है, जैसा कि आप कवर करते आ रहे हैं, आप भी हमारे ग्रुप के ऑनरेबल मेंबर हैं, आपने भी यह एहसास किया होगा कि इसका जो आउटपुट बच्चों को मिला है, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर प्रयास भी हो रहा है, सर्विसेज में बच्चे जा रहे हैं, तो एक सम्मान के साथ साथ एक इनका आउटपुट जो बच्चों को मिल रहा है, तो ये एक बेहतरीन प्रयास है हमारा कि बच्चों को वो भाव जगाए जाएँ। लेकिन रही बात समस्याएँ की, तो समस्याओं से आज भी हम लड़ रहे हैं। मैदान पूर्ण रूप से तैयार नहीं है और विभिन्न प्रकार के इंक्रोचमेंट भी हो रहे हैं, लेकिन उसकी जद्दोजहद लगातार हमारी जारी है और प्रयास से ही कि आपका सभी का साथ रहेगा तो हम जंग जरूर जीतेंगे। माननीय न्यायालय की अवहेलना जो है वो मेरी ख्याल से हर क्षेत्र में आदत सी बन गई है, लेकिन उसका जो फॉलोअप जो रहता है उसको करने में, चूंकि सार्वजनिक स्तर का काम है, पैसे भी लगते हैं, पैसे कलेक्शन करने में भी दिक्कत जाती है, लेकिन फिर भी जो हमारी भावनाएं हैं वो कम नहीं पड़ती। उस आदेश के इम्प्लीमेंट के लिए हमने अवमानना भी डिसाइड की है और आने वाले समय में हमने कंटेम्प्ट भी लगाया हुआ है, उसका परिणाम निश्चित अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा आप सभी को। वुशु, कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल, DSK एकेडमी के एथलेटिक्स के बच्चे, इन तमाम बच्चों की यदि तादाद देखी जाए तो लगभग 300-350 के तादाद में बच्चे हैं। और अभी फुटबॉल में विशेष रूप से काम हुआ है, कुश्ती में भी काम हुआ, वुशु में भी काम हुआ है, बच्चे स्टेट लेवल से नेशनल लेवल में और इंटरनेशनल लेवल के लिए भी क्वालिफाई संभवतः कर लेंगे यदि ऐसा ही माहौल चलता रहा तो।